तो दोस्तों, यदि आप टिकटॉक चलाते हो और टिकटॉक पर एक्टिव रहते हो तो आपने इस प्रकार के वीडियो को जरूर देखा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस तरह के वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। इसका इस वीडियो का भी एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको घंटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे जब भी हमारी कोई टिकटॉक VFX रिलेटेड वीडियो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको अपने चलना है काइन मास्टर एप्लीकेशन पर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर करना है यहाँ क्लिक। यहाँ से आपको एक एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है, वो है 9:16 का, तो सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको चले जाना है मीडिया के ऑप्शन पर, और मीडिया के ऑप्शन जाने के बाद आपको बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड पर करते हैं क्लिक और यहाँ से आप ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लेना है। इसके बाद सही आइकन पर करना है क्लिक और बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर देना है। तो बैकग्राउंड को बड़ा करने के बाद फिर सही आइकन पर करना है आपको क्लिक और यहाँ से आपको फिर जाना है लेयर्स पर। लेयर्स पर जाने के बाद फिर से आपको मीडिया पर जाना है और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है आप उस लिंक से एक वीडियो को डाउनलोड करना है, तो आप इस वीडियो को यहाँ से ले लेना। तो इतना लेने के बाद आपको सही आइकन पर करना है क्लिक और इसके बाद इस वीडियो पर करना है क्लिक और वीडियो को हम इसके बराबर कर लेते हैं। तो इसको एरो को हम कर देते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से आपको फुल कर देना है इसको। इतना करने के बाद सही आइकन पर करना है क्लिक और इस बैकग्राउंड को इस वीडियो के बराबर पे कर देना है, यानी जितनी हमारी वीडियो है उतनी ही है रहना है। इसके बाद सही आइकन पर करना है क्लिक और इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड है और आप अन्य साउंड से बनाना चाहते हैं तो आईडियो पर क्लिक करना और यहां से आप ले सकते हैं या फिर टिकटॉक पर जाकर भी इसको डाल सकते हो। तो आप देख लेना यहाँ से हमारा जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है यहाँ से शुरू हो रही है। तो इतने पर करने के बाद आपको लेयर्स पर जाना है और फिर जाना है आपको मीडिया पर। दोस्तों, आपको एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है और वीडियो आप अपने हिसाब से एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस लड़के की वीडियो को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस वीडियो पर करना है क्लिक और लड़के वाली रिकॉर्ड की हुई वीडियोस और साउंड के इस ऑप्शन पर करना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को जो साउंड है रिकॉर्ड की उसको साउंड को बंद कर लेते हैं, तो इस पर म्यूट कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साउंड बंद हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इस पर करना है क्लिक और यहाँ से ऊपर जाना है। आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई देगा, इस क्रोमा की पर करना है क्लिक और इस क्रोमा की को कर देना है इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आपको की कलर्स पर जाना है और यहाँ से आपको जो बीच वाला है ग्रीन इसको पूरा फुल कर देना है। इतना करने के बाद सही आइकन पर करना है क्लिक और जो रिकॉर्ड की हुई वीडियो है इस पर करना है क्लिक और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से फुल। तो यह वीडियो जो फुल हो चुकी है, सही आइकन पर करना है क्लिक, फिर से आपको इस वीडियो पर रिकॉर्ड की हुई उस वीडियो पर करना है क्लिक। उसके बाद आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर करना है क्लिक, यहाँ से इसको कर देना सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक हो चुकी है। उसके बाद सही आइकन पर करना है क्लिक और वीडियो को हम करते हैं यहाँ से अभी प्ले। तो मैं इसके साउंड को अभी बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो ऑलरेडी वीडियो में साउंड रहेगा तो आप बंद ना करना, कॉपीराइट के कारण इसको बंद कर रहा हूँ। तो वीडियो को हम प्ले कर देखते हैं कि हमारी वीडियो है जो प्रोफेशनल तरीके से बनी है कि नहीं। कुछ यदि मिस्टेक आती है तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए और एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखनी, ताकि ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है पूरा आना चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी बन चुकी है। इतना होने के बाद इस वीडियो को यहां से कट करते हैं, यानी दोस्तों हमारी जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहां पर ख़त्म हो रही है। तो जो रिकॉर्ड की हुई वीडियो उस पर करना है क्लिक और उसके बाद जो आपको कैंची का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना। इतना करने के बाद हमारी वीडियो क्या इसके बराबर की हो चुकी है। इसके बाद सही के आइकन पर करना है क्लिक और यहाँ से आपको जो शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट, उससे पहले आपको जो सेटिंग दिखाई दे रही है सेटिंग पर जाना है और आईडियो फेड आउट को यहाँ से आपको बंद कर देना, ताकि जो वीडियो
जब आपकी खत्म होगी तो साउंड है एक साथ चलने लगा। इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना, शेयर के आइकन पर करना है क्लिक और एक्सपोर्ट कर लेना, यानी दोस्तों आपकी जो वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन कर ऑल सेलेक्ट कर लेना, जैसे जब भी हमारी कोई टिकटॉक VFX से रिलेटेड वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।